आज की सरकार की प्राथमिकता है वंचितों को वरीयता। आज की सरकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तक जा रही है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स तक जा रही है। आज की सरकार देश के सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव न मानकर उन्हें फर्स्ट विलेज मानते हुए काम कर रही है। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि और उस सिद्धि से भारत की समृद्धि के लिए ही एक नए कार्यक्रम की नींव पड़ी, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी। 112 एस्पिरेशनल जिलों में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी को सफलता के साथ लागू किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एडीपी प्रोग्राम की सफलता को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास के विजन को घर घर तक पहुंचाने का मिशन है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जिसमें विकास का फोकस होगा ब्लॉक यानी विकास खंड। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आदर्श पर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में भी राज्यों का बहुत बड़ा और अहम रोल है। एबीपी में 500 ब्लॉक्स को चुना गया है। इरादा पक्का है और मिशन सिर्फ एक है, विकास का लाभ हर ब्लॉक के हर जन तक पहुंचे और विकास की ये बयार देश के कोने कोने तक पहुंचे। सरकार इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कई जरूरी बातों का ध्यान रख रही है, जैसे कि ब्लॉक स्तर के डेवलपमेंट के लिए सही रणनीति का चुनाव, अधिकारियों के हाथ मजबूत करने के लिए केंद्रीय और राज्य ग्रामीण संस्थानों में तकनीकी ट्रेनिंग, मंत्रालयों और विभागों से डेटा सोर्सिंग और नॉलेज पोर्टल का निर्माण। एबीपी का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को हर गांव, हर ब्लॉक तक बेहतर ढंग से पहुंचाकर आम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इसीलिए आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसकी 5 थीम्स और 40 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी केपीआईज भी चुने गए हैं। ये 5 थीम्स हैं: कृषि, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेश और सामाजिक विकास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा। संसाधन, सराहना और संकल्प, इन तीनों को मिलाकर ही तो विकसित राष्ट्र का हमारा सपना एबीपी कार्यक्रम की सफलता से तय होगा।